मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मन की हर पीड़ा को जानता हूँ। किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, ये मुझे ज्ञात है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तो मैं स्वयं तुम्हारा सहारा बनूँगा। मैं किसी भी रूप में आकर स्वयं तुम्हारी मदद करूँगा। तुमने मुझे अपना माना है ना बच्चे, तो अब निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारी सहायता के लिए हाजिर रहूँगा। इसलिए चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो, और तुम जहाँ हो वहीं रहकर ही मुझसे पूछो। क्यों तुम व्यर्थ के सवालों के लिए भटकते रहते हो? मैं हूँ ना बच्चे, तो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करके तुम्हें संतुष्ट करूँगा। मुझ में इतना विश्वास रखो, क्योंकि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, और कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ। और अपने भक्तों की भक्ति के खातिर मैं उनके समक्ष कैसे भी और कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए मुझ पर अपना दृढ़ विश्वास हमेशा बनाए रखो, और कभी कभी बिना मतलब के ही किसी के लिए भी छोटा सा एक नेक कार्य करो, तुम्हें उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और मैं जानता हूँ बच्चे कि बहुत बार तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे तुम अपने जीवन के लिए बहुत कुछ तय करते हो, लेकिन वह ना होकर कुछ और ही हो जाता है। तो बच्चे, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें स्थिति को संभालना आना चाहिए। अपने मन को स्थिर रखो और विचलित मत हुआ करो, और यह ना सोचो कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, क्योंकि जब कभी तुम्हारे मन के विरुद्ध कुछ होता है ना, तो वह मैं ही करवाता हूँ, क्योंकि उसी में तुम्हारा भला होता है। फिर चाहे वह घटना तुम्हें दुखी ही क्यों न कर रही हो, लेकिन उस दुख में भी तुम्हारा सुख छुपा होता है। मेरे बच्चे, समस्याएं आने पर समस्या की ओर ध्यान ना देकर यदि तुम उसके समाधान की तरफ ध्यान दोगे, तो तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तुम खुद पर भरोसा रखो बच्चे, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी हर परीक्षा में उत्तीर्ण अवश्य होगे। इसलिए तुम्हें भी खुद पर विश्वास रखना होगा, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए बच्चे, दूसरों की गलतियां देखने से पहले खुद की गलती भी देखो। हमेशा तुम सही हो, यह नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से तुम्हें बार बार एक जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो बच्चे, अपनी उन आदतों को पहचानो और अपने अंदर बदलाव लाओ। और मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम दूसरों के लिए इतना कुछ करते रहते हो, इसलिए भी तुम बहुत बार पीछे रह जाते हो। यह भी एक प्रकार की गलती ही है। मेरे बच्चे, सबके लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए भी सोचना और अपने अच्छे के लिए कुछ करना सबसे अच्छी बात है। इसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैं बसता हूँ। और तुम जब अपना ख्याल रखोगे, इसका मतलब यही होगा कि तुम मेरा ख्याल भी रख रहे हो। यह शरीर मैंने तुम्हें दिया है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी देखभाल पूरी तरह से करो, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी। तभी तुम अपने जीवन में खुश रह पाओगे और अपना हर कार्य कर पाओगे, और अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। क्योंकि जब तुम स्वस्थ रहोगे, तभी तुम अपना हर कार्य पूरी तरह से कर पाओगे। इसलिए बच्चे, सबसे पहले अपना ध्यान रखो। और मैं तो हमेशा हूँ ही तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सखा, तुम्हारा बाबा और तुम्हारा मार्गदर्शक सब हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं चलता है, पर जब कभी तुम किसी फैसले के बारे में असमंजस में होते हो, तब मैं ही तुम्हारे अंतर्मन में जाकर तुम्हें सही दिशा में फैसला लेने के लिए सही मार्ग दिखाता हूँ, और तुम्हारी वो सारी इच्छाएं
जो तुम्हें नामुमकिन सी लगती हैं, तो बच्ची वो मेरे रहते सब मुमकिन हैं और मैं तुम्हारे लिए वो सब मुमकिन करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, बस मेरे समय पर भरोसा रखो। तुम्हारे घर में जल्द ही एक शुभ कार्य होगा, इसलिए बस नाम जप करते रहो और प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना। मैं जल्द ही तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दूंगा, इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।